नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ट्वीट के साथ करता हूं। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री जी ने एक मोबाइल ऐप का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी इस ऐप के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि आरोग्य सेतु कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे इस जंग में टेक्नोलॉजिकली शक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह ऐप हमें इससे जुड़े इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। प्रधानमंत्री जी आगे इस ट्वीट में लिखते हैं कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। यहीं पर उन्होंने इस ऐप का लिंक भी शेयर किया है। दोस्तों, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो भी शेयर किया है इस ट्वीट के साथ। इस वीडियो को देखकर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आसानी से आप समझ पाएंगे कि इस ऐप को लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री जी द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो को देखिए, बाद में मैं इस ऐप की डिटेल में जानकारी दूंगा, जैसे कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड और ऑपरेट करना है, इस ऐप में मिलने वाली सारी जानकारियों, सारा इन्फॉर्मेशन कैसे और कहां और कब मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल कर पाए। तो आइए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ट्वीट किए गए वो वीडियो को देखते हैं। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना। कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस ऐप के बारे में बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इस ऐप के डाउनलोडिंग और ऑपरेटिंग प्रक्रिया को। तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च मेनू में टाइप करना है आरोग्य सेतु। इसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस ऐप की जानकारी जन जन तक पहुँच पाए। इस ऐप को इंस्टॉल्ड होने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज करता हूँ। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बेसिक सी कुछ जानकारियाँ डिस्प्ले होंगी। यहाँ से आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर टैप करना है। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टर्म ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसे अग्री करने के लिए आई अग्री पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपके लोकेशन एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगा जाता है, इसे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाती है। OTP आते ही यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने के साथ ही ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप करने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मेरी राय यह है कि आप सब कुछ यहाँ पे सही सही भर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, इसके आगे एज, नीचे अपना प्रोफेशन मतलब आप क्या करते हैं। इस डाउन एरो पर टैप करेंगे तो आपको एक प्रोफेशन का लिस्ट मिल जाएगा। उसमें से आपका जो भी प्रोफेशन है उसे चूज कर लेना है। यदि ऊपर दिए गए लिस्ट में आपका प्रोफेशन नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ट्रेवल हिस्ट्री देना है। क्या आप पिछले 30 दिनों में इस लिस्ट में दिए गए देशों में से कहीं भी आपने ट्रेवल किया है क्या? यदि किया है तो उस देश का नाम चूज कर लेना है, नहीं तो नन को चूज करना है। यहाँ पर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करते ही एक रिपोर्ट डिस्प्ले होगा, जैसा कि यहाँ पर यह रिपोर्ट आया है, यू आर सेफ, लो रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन।
दोस्तों यहाँ पर नीचे स्टेट वाइज कोविड 19 हेल्प सेंटर का कॉन्टेक्ट नंबर भी डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे स्टेट वाइज। यहीं पर आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वाला ऑप्शन भी मिलता है, इसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले की तरह आपका जेंडर को भरना है, उसके बाद अपना एज। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि नीचे दिए गए लिस्ट में से कोई सिम्टम तो नहीं है आपको, जैसे कफ, फीवर मतलब बुखार, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि है तो चूज कर लेना है यहाँ पे, यदि नहीं है तो नन ऑफ द एबव को चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ हेल्थ डिजीज का लिस्ट है। यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि इन बीमारियों में से कोई बीमारी आपको थी क्या, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज। अगर कुछ डिजीज है तो उसको चूज करना है, नहीं तो नन ऑफ द एबव को चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई इंटरनेशनली ट्रेवल किया है क्या, अगर किया है तो येस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद आपको यहाँ पर और दो जानकारियाँ शेयर करनी पड़ती है। दोनों में से यदि किसी के साथ भी आपका कोई हिस्ट्री है तो उसे चूज कर लेना है, नहीं तो नन ऑफ द एबव को चूज कर लेना है। इन सब को कंप्लीट करने के बाद आपको आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर लो रिस्क है तो ठीक है, आप घर पर रहें, बाहर जाने से बचें।